आज है डे थ्री और हम रुके थे इस वाले होटल में, ये कहीं बॉर्डर से काठमांडू के बीच में है और ये लेंस बार बार फोकअप हो रहा है क्योंकि ठंडा हो गया है। तो अभी इस होटल का खर्चा मैंने कल आपको बता दिया 1300 रुपये और 400 रुपये कुछ खाने का। अब हमको निकलना है काठमांडू के लिए और मौसम हो रहा है फिर से बारिश वाला। हम भोपाल ने कहा है हम 4 बजे तक पहुँचेंगे काठमांडू, मैंने कहा है 2 बजे तक। 100-100 नेपाली रुपए की शर्त भी लगी हम दोनों के बीच में, देखते हैं कौन जीतता है। अभी टाइम हो रहा है 9 बजे, अभी 9:05-10। ये निकल चुके हम होटल से, एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो नेपाली टाइम हो रहा है 9:13। नेपाल हमसे 15 मिनट आगे चलता है। मेरी कार अभी भी टाइम बता रही है इंडिया वाला 8:58, पर 9:13 हो चुके हैं और 2 बजे तक पहुँचने का लक्ष्य है ताकि मैं शर्त जीतूँ। मुझे पता है मैं पक्का जीतूंगा, 100% श्योर। 200 किलोमीटर है भाई, गूगल 6 घंटे बता रही है और अपना नवांकुर कह रहा है कि मैं 5 घंटे में कवर करूंगा। पहाड़ी चढ़ाई शुरू होने वाली है 10-15 किलोमीटर में, फिर देखते हैं 2 बजे तक पहुंच पाते हैं नहीं या फिर 4 बजे पहुंचते हैं। क्यों पा, आपको अभी क्या लग रहा है कितने बजे पहुंचेंगे भाई? 2 बजे तो नहीं पहुंच पाते भाई, लेट ही पहुंचेंगे। हम आराम आराम से जाएंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है हमें कोई कार नहीं ठोकनी अपनी। पहली वाटर क्रॉस, बह तो नहीं जाएंगे भोपाल हम? नहीं 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 बहते भाई, तेरा वेट थोड़ा ज्यादा होता तो और सेफ रहता तू वेट पुट ऑन कर भाई थोड़ा। रोक नहीं, वो तो मेरे को पता है कि रड़ती जा रही है। बस
जो ढलान है ये बहुत सारी है यहाँ पे, तो जब भी आओ तो ध्यान से। ये वाटर क्रॉसिंग के लिए बना रखे है, जो ऊपर से झरने से पानी बह के आता है ना वो सीधा नीचे चला जाता है। अच्छा, उसके लिए बना रखी है। आ गया, साइड में से दोनों टायर चलाने पड़ रहे हैं ध्यान से, वरना कट भी सकते हैं यहाँ पे टायर अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो। अभी हमने बीच में एक स्टॉप लिया है और ये बनाई है इन्होंने मैगी, पानी पानी जैसी। तो यहाँ पे थोड़ी मैगी अलग बनती है इंडिया से। और एक चिप्स का पैकेट भी लिया था 40 रेट अगर 50 में, थोड़े पहाड़ पे आ गए तो। कौन सा ही है? चलो अब भोपाल बताएंगे खा के वाले चिप्स कैसे लगे। ना मैं नहीं खा रहा भाई, मैं वापस करके आऊँगा भाई ये चिप्स। आज फिर इसने ज़्यादा स्पाइसी खाना ले लिया है, देखो। आज मैंने नहीं कहा था कि स्पाइसी डालो, आज ये बनी स्पाइसी है भाई। पे मौसम बिगड़ता हुआ और हमने लगा ली गाड़ी साइड में क्योंकि आगे से गाड़ी आ रही है। बादल पूरे पहाड़ को घेर चुके हैं और यहाँ पे, अबे यार एक और गाड़ी, दो गाड़ियाँ आ गई। अभी बिल्कुल जो ये मेरी कार की एवरेज वाला दिखाता है, फर्स्ट गियर में 30 तक लेके जानी पड़ रही है स्पीड। बहुत ही ज़्यादा स्टीप चढ़ाई चढ़ी है अभी इससे पहले, तो अभी एवरेज दिखा रहा 3.8 किलोमीटर पर लीटर, जैसे आपको इंजन की आवाज़ आ रही होगी। सेकंड गियर में अगर आप डीजल की गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल से चढ़ रही है। जैसे अभी ये स्टीप क्या आगे चढ़ाई आ गई क्या, बिल्कुल ध्यान से मोड़ना भाई। और ये देखो, तो जितनी हमारी एवरेज बचाई ताज एक्सप्रेस वे वगैरह ने वो सारी यहाँ वसूल हो रही है। भोपाल बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, मतलब हम पिछले 2 किलोमीटर से ऐसी चढ़ाइया चढ़ रहे हैं, सारा रास्ता ऐसे ही है भाई आगे। नहीं नहीं, चढ़ते ही थोड़ी रहेंगे, माउंट एवरेस्ट थोड़ी पहुंच जाएंगे, ढलान भी आएगी। और अभी तो काफी, देखो ये एक और हेयरपिन बेंड आ गया, तो थोड़ा ध्यान से, अभी पूरे बादलों ने घेर लिया है, थोड़ा विजिबिलिटी से भी कम हो गई और बारिश भी शुरू है। वैसे मजा बहुत आ रहा है भोपाल में, क्यों क्या रास्ता बढ़िया है ना। मैं क्यों नहीं, बहुत मजा आ रहा है। तो फाइनली आपको काठमांडू तक के रास्ते हमने दिखा दिए हैं। अरे भाई जीरो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे रास्ते हैं, थोड़े से डेंजरस नहीं कहूँगा, थोड़ा ध्यान से चलाने की ज़रूरत है। और टाइम आने पे सबको साइड देना और साइड लेना भी थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है बिल्कुल ही यहाँ पे देखो साइड में जैसे नाला सा चलता रहता है, तो इसमें ना घुस जाए कार, तो इसका भी ध्यान रखना है। पर अगर आप बाइक वगैरह पे आ रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ख़तरनाक रास्ते हैं, बिल्कुल आराम से चलाओ, हॉर्न वगैरह देके पहुँच जाओगे। काठमांडू जाते वक्त ही हमको थोड़ा खराब पैच मिला, 3-4 जगह लैंड स्लाइड हुई भी है बारिश के मौसम में। पर भाई थोड़ा, अरे बहुत ज़्यादा खराब है भाई, थोड़ा नहीं, स्लश प्लश भी मिलेगी आपको। बारिश के मौसम में आओगे तो ऐसे ही होगा भाई, ये भी अपना एडवेंचर अगर आपको चलानी है तो ऐसे रोड पे। बाइक तो बड़ी बाइक ही चाहिए भाई, छोटी बाइक पे नहीं ये रोड हो सकता, स्लिप हो जाएंगे वो। स्लिप हो जाएंगे,
ऑफ रोड वाली बाइक चाहिए, हिमालयन से, हिमालयन से छोटी बाइक नहीं। ये देखो पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है यहाँ पे, आगे भी लैंडस्लाइड तो नहीं, ऊपर से पत्थर गिरते रहते हैं थोड़े से, लैंडस्लाइड इतनी कोई खतरनाक नहीं है, वो क्लियर हो कर देते हैं। अपनी तरफ रखो थोड़ा, अपनी तरफ रखो। आगे लैंडस्लाइड हुई है भाई, क्रेन साफ कर रही है। आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में से, पर मेरे को दिख रहा था कि क्रेन एक लगी हुई है या फिर वो खड़ी है। कैमरा घुमा के दिखा देना। अरे नहीं बहुत आ गया, छोटा सा उसका बस वो दिख रहा है, उसका जो होता है हाथ पंजा। लैंडस्लाइड हुई है ना, वो देख क्रेन खड़ी हुई है। हाँ ये क्रेन कर रही थी ठीक, दोबारा ना हो जाए। देखो ये क्रेन ने साफ किया है सारा, ऊपर से मिट्टी सी गिर जाती है ना साली भाई, पत्थर भी गिर जाते हैं बड़े। हाँ पत्थर भी गिर जाते हैं, पीछे एक पत्थर भी तो गिरा था वो बहुत बड़ा साला। पहुंच गए थे काठमांडू 4:30 बजे नेपाल टाइम के हिसाब से, जिस हिसाब से कि भोपाल शर्त जीत गया, तो उसको 100 रुपये मैं कहाँ दूंगा वो आपको भी बताता हूँ। हम जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं हम, जा रहे हैं अभी कसिनो। मेरे दोस्त ने कहा कि यहाँ पे कसिनो अच्छा है, मैं सर्च किया एक दो कसिनो, तो रेडिसन होटल में एक कसिनो है, तो वहाँ पे यहाँ से 3 किलोमीटर है, इस होटल कह लो इसको, हॉस्टल कह लो, कुछ भी कह लो, ये हमारा रूम है, तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर है कसिनो। तो हम सोच रहे हैं कि 8 तो बजे चुके हैं अभी, हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि सुबह से मैं 6-6.5 घंटे गाड़ी चलाई, तो अभी कसिनो जाएंगे। एंट्री फीस वगैरह आपको आके बताऊंगा क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता है। फिर वहाँ से मार्केट जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, और फिर आपको कसिनो में तो शूटिंग अलाउड होती नहीं आपको पता ही है, मैं आके बताऊंगा आपको कसिनो की फ़ीस। और मार्केट में आपको अगर मार्केट गए और खाया तो वहाँ पर दिखा देंगे। ये हमको हॉस्टल या होटल कुछ भी कह लो, इसमें शेयरिंग बाथरूम है, ये रूम है हमारा और इसमें शेयरिंग बाथरूम है। ये हमको पड़ा 340 इंडियन रुपीस का। तो ये था अभी के लिए, अभी जाते हैं और कसिनो एंजॉय करते हैं। भाई भोपाल एक्साइटेड फॉर कसिनो, बहुत ज़्यादा भाई बहुत ज़्यादा। ये भोपाल पहली बार कसिनो जाएंगे, मैं गया था सिंगापुर में, वहाँ 3,500 रुपये हार गया था, आज देखते हैं कुछ जीतते हैं नहीं। क्या बोल रहे, पहुँच गए हम रेडिसन, इसके कसिनो में जाना है हमको, रूम वूम नहीं लिया हमने इसमें, इसकी कसिनो की एंट्री अब देखते हैं कहाँ से मिलती है हमको। ये क्या है, पेस्ट्री शॉप रेडिसन। टाइम हो गया अभी कुछ 9:30, मैं आ गया था होटल में 9 बजे, अभी थोड़ी कार की पार्किंग इधर उधर करनी थी तो वो करके आ गया हूँ सेट। और अभी हम रास्ते पे आते वक्त होटल से खाने ले आए थे ये रोटी और ये चने की सब्जी, 320 नेपाली रुपये में 10 रोटी और 2 चने की सब्जी। और हम गए थे कसिनो, वहाँ पे हार गए, 500 इंडियन रुपीज़ हार गए। रेडिसन में आप जा सकते हो, एंट्री फ्री है, और अगर आप खेलना चाहते हो तो आपको चिप्स लेने पड़ेंगे, इंडियन करेंसी में ही देने पड़ेंगे। और अगर आप रूले खेलना चाहते हो तो या तो आप बैट लगा सकते हो, फिर कंप्यूटराइज खेलना है तो आपका कुछ ऐसा कार्ड बना देंगे वो, पर 2,000 से कम का नहीं बनाते, पर वो कोई टेंशन नहीं है, 2,000 का बनवा लो, जितना खेलना खेल लो, जितने पैसे बचेंगे कार्ड में वो आपके वापस हो जाएंगे। तो आज का ये होता है हमारा 3रा दिन ख़त्म, अब मिलेंगे 4थे दिन में। आज का हमारा खर्चा हुआ ये 500 रुपये, तो हम
इसमें हार के इंडियन में बताऊंगा, आज सारा खर्चा इंडियन में हुआ है। 500 हम रेडिसन में हार गए, और ये 340 का है होटल, 200 रुपये का है खाना इंडियन करेंसी में, और कोई हमारा खर्चा नहीं हुआ, बस यही खर्चा था हमारा आज का। ये होता है day 3 एंड अब हम सोच रहे हैं कल day 4 पे काठमांडू घूमते, देखते क्या क्या काठमांडू पे। क्या दोपहर का खाना? दोपहर का खाना क्या खाया था हमने? मैगी। हाँ मैगी मैंने खाई थी, 60 नेपाली रुपए की और 50 रुपए कुरकुरे, तो ये देख लो कितने, 110 नेपाली रुपए। तो चलो बस इतना ही था आज, चलो खत्म करते हैं ब्लॉग।